हमें इस बात की खुशी है कि जिन सपनों के साथ दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, जितना वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से, उस वादे से भी ज़्यादा हर बजट में एक नया अध्याय जो है ये सरकार जोड़ रही है। शिक्षा स्वास्थ्य का खासतौर पे जिक्र हुआ और इस दौरान वहाँ पे मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन का भी जिक्र हुआ, आपको क्या लगता है कि जो एक चौथाई तरह से कहा जाता था कि शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हालांकि आज का जो एलोकेशन 21% के लगभग है, तो क्या वो ज़मीन पे उतरेगा? नहीं, निश्चित रूप से उतरेगा। देखिए, बाधाएँ बहुत हैं, खासतौर से अगर आप देख रहे होंगे तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के अधिकारों को छीनने का कानून दिल्ली के ऊपर थोपा है, उसके बाद से हर काम को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनका काम है काम में बाधा डालना, और हमारी सरकार का काम है काम को आगे बढ़ाना। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, और जनता के लिए न सिर्फ हमने बजट में प्रावधान किया है, उसको ज़मीनी हकीकत में उतारने के लिए हम एड़ी चोटी लगाएंगे। जी, एक और बात का जिक्र किया ऋषि ने, उन्होंने राम के वनवास का जिक्र करते हुए कहा कि जो अपने एक वचन को निभाने के लिए वनवास पे चले गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने वचन को निभाने के लिए मुश्किलें झेल रहे हैं। आप लोग जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल काम नहीं करने देते, अधिकारी फंड रोकते हैं, लेकिन इतने लोकेशन के बावजूद अगर जमीन पर नहीं उतरेगा तो काम कैसे? नहीं, जमीन पर उतरेगा लेकिन कठिनाइयों से उतरेगा, ये हमें पता है। जो जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं कि हर चीज़ में कठिनाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कठिनाइयों से लड़ने का नाम ही तो अरविंद केजरीवाल है, तो लड़ेंगे और इसको हकीकत में भी उतारेंगे। एक और मुद्दा है, ईडी के सामने आज पेश होना था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन था, जाटवाल वे नहीं गए, उन्होंने जवाब भेजा कि 12 मार्च के बाद मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उनसे सवाल जवाब करें, और ये भी कहा जा रहा है कि वो उसका मांग की गई है कि लाइव प्रसारण हो। नहीं, मुझे लगता है कि ईडी को जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, और अगर ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना है तो मुझे लगता है कि ईडी को इस काम को करना चाहिए। और जहां तक प्रसारण की बात है, ये और अच्छी बात है कि देश को पता चलेगा कि ईडी क्या सवाल पूछना चाहती है और अरविंद केजरीवाल क्या उसके जवाब दे रहे हैं।